बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर पंचायत के सदानंदपुर बालाचक में किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें आत्मा समूह के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा किसानों को जागरूक किया गया। चौपाल में ग्राम प्रधान रामाकांत यादव ने बताया कि चौपाल गांव के संस्कृति का एक हिस्सा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। चल रहा है किसान चौपाल के माध्यम से आपको हम लोग ये जानकारी देना चाहते हैं, कभी बिहार सरकार या भारत सरकार राज्य की योजना और की क्या क्या योजना चल रही है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले दे देते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग को भी परेशानी होती है, आप लोग को भी परेशानी होती है। किसान रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल नंबर दें और उसी का उपयोग करते रहें तो आप लोग की भी परेशानी कम होगी। अभी जैसे बिहार राज्य फसल सहायता में रबी योजना चल रही है, अभी आप जो भी फसल लगा हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं और निश्चिंत हो जाएं। कुछ भी होगा सरकार आपकी देख रेख में रहेगी। फिर जैसे ही ये सीजन खत्म होगा, धान लगभग लगेगा उस टाइम या उस समय आप जो भी फसल लगाते हैं, अभी पिछले बार आप लोग का सोयाबीन लगभग खत्म ही हो गया और उसका वेरिफिकेशन लगभग एक महीने बाद ही शुरू होगी, तो सारे किसान बंधुओं को उम्मीद है कि सरकार की तरफ से अच्छी खासी जो मदद है वो आप लोग को पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले दो बार, एक रबी सीजन और खरीफ सीजन, दोनों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप अभी कहा जाता है। जिनके पास स्वयं का जमीन हो, जो अपने जमीन पर खेती करते हैं, तो उन लोगों के लिए LPC बनवाना जरूरी है। LPC हर एक किसान अंचल में जाके बनवा सकते हैं। सबसे पहले LPC आपका करंट होना चाहिए, यानी अद्यतन होना चाहिए। हर एक वो LPC बहुत सारे काम में आते हैं, लेकिन आप लोग बनवा लीजिएगा। जितने भाई बंधु हैं, एक ही परिवार में सम्मिलित परिवार भी होते हैं, उनका भी LPC बनता है। अपने हिस्सा का जितना होता है उतना लिखवा के उतने नाम पे आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। नहीं बात रही किसानों के लिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि LPC होना अनिवार्य है, उसके बिना आप लोग का नहीं हो पाएगा। किसान जमीन का रसीद उसमें कोई काम नहीं आएगा, LPC सारे भाई बंधु बनवा ले। इसलिए आप लोग को घोषणा पत्र भरना पड़ता है, जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, किसान सलाहकार हैं, वो आपको प्रमाणित करेंगे कि आप कितने एकड़ की बुआई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो आपको मदद कर देंगे। वो उनका है, चाहे ब्लॉक में हो, आपके घर के बगल में, पंचायत लेवल पे, वसुधा केंद्र, जहां भी हो आप वहां पे ऑनलाइन करवा के इस योजना का सफल लाभ ले सकते हैं। बंधुगण अभी भी मौका है, सरकार की ये योजना रबी सीजन में भी चालू ही हुई है, अभी आप लोग जितने जल्दी हो सके निबंधन करवा लें और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं।